हाजरी लगा लो जरा। अच्छा हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद जुल्फकार गिलानी साहब, HEC सहवास से। आवाज आ रही है आपको मेरी? आप मौजूद है डॉक्टर? चलो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रजा चौहान साहब, बीके अकेडमिक, HEC सहवास। अस्सलाम वालेकुम कॉलेज जी, आई एम अवेलेबल। वालेकुम बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दाऊद मुनीर साहब है, HEC सहवास से। बहुत शुक्रिया सर। आयशा इकराम साहब भी मौजूद है। ठीक है, डॉक्टर सरोज नजमत लोधी साहब, BCNA आपके यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम देखते हैं डॉक्टर जुबेर शेख साहब, डॉक्टर रियाज शेख साहब, डॉक्टर रुबीना अजीम साहब, प्रोफेसर जफर यार साहब, डॉक्टर तौसीफ साहब कहीं मौजूद है, थोड़ी देर से आएंगे, डॉक्टर कमाल अहद साहब मौजूद है, डॉक्टर ताहा साहब मौजूद है। ठीक है, वादत ये हाजिर आने की वजह थी, आपका नाम है? ओके, डॉक्टर रुखसार साहब। जी जी तीन दो तीन चार, चलिए शुरू करें। और शहीद वजीम बिस्मिल्लाह, दुनिया अखबार के तमाम होने वाले दुनिया फोरम में आप लोगों को शामिल कहता हूँ, मौजूद मेहमानों को। मेरा नाम मुस्तफ़ा अबिक सदीरी है, मैं दुनिया अखबार में एडिटर फोरम के तौर पर अपने फायर अंजाम दे रहा हूँ। और आप जैसे साथ के साथ, क्योंकि मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, आपकी आपको जहमत देता हूँ, आप लोग आते हैं तो कुछ सीखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि हमारे कारीन और हमारे नाज़रीन भी कुछ सीखें। दुनिया अखबार इस बात पर मशहूर है, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी और डॉक्टर जुबैर साहब आपको भी, आपने हमें हमेशा मौका दिया, जामिया कराची ने भी हमेशा हमारे साथ ताउन किया है, और यूनिवर्सिटी के साथ भी हम फोरम करते रहे और हमने अच्छे फोरम्स किए। दुनिया अखबार को ये एजाज हासिल है कि हम माशरे के उन टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें मीडिया उमन संजीदा नहीं रहता। मैं कल भी खबरें सुन रहा था तो माजर, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन 20 खबरें थी जो मैंने सुनी, 20 में से 18 खबरें सियासी थी, इसने ये कहा उसने ये कहा। हम ये चाहते हैं कि ऐसे मौजूदात पर बात हो जिसमें माशरे में बहस हो और सहमत बहस हो, जिसके कुछ असरात हो और कोई किरदार अदा कर सके। मीडिया का एक काम ये भी है कि कुछ किरदार अदा कर सके माशरे की बेहतरी के लिए, इसीलिए आज हम जमा हैं। और आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। मैं तारुफ करा दूँ, मेरे साथ मौजूद हैं HEC से इस्लामाबाद से डॉक्टर सैयद जुल्फकार गिलानी साहब, मोहम्मद रजा चौहान साहब BG अकेडमिक इस्लामाबाद से, डॉक्टर दाऊद मुनीर साहब मौजूद हैं हमारे साथ ऑनलाइन है इस्लामाबाद से, और डॉक्टर सरोज हसमत लोधी साहब BCNAD हमारे साथ, ये चार हमारे चार मेहमान ऑनलाइन है। इसके साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो पैनलिस्ट, डॉक्टर जुबैर शेख साहब है वाइस चांसलर और सदर मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, चेयरमैन ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रियाज शेख साहब है वाइस चांसलर रेविस जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम, डॉक्टर अल्ताफ मुकाती साहब मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट अकेडमिक रेविस, डॉक्टर रुबीना हकीम साहब है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज, प्रोफेसर जफर यार खान साहब है आप सतना से ताल्लुक है, डॉक्टर कमाल हैदर साहब है चेयरमैन शोबे तालीम जामिया उर्दू, और डॉक्टर तहा है शोबे तालीम जामिया कराची, डॉक्टर रुखसार अहमद साहब डेन फैकल्टी ऑफ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, डॉक्टर रुखसार अहमद साहब हाँ मौजूद है, मोहम्मद समी साहब हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं और हमारे साथ बहुत ताल्लुक करते हैं। मैं आप सब मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का मौजूद हमारा यह है कि HEC ने कुछ फैसले किए और वो फैसले ये थे कि डिग्री प्रोग्राम को एसोसिएट डिग्री किया कहा गया कि उसमें लेकर गए और PhD के बारे में कुछ फैसले हुए। चाहूंगा हमारे प्रोग्राम से पहले हम HEC से ही बात करें आप सब मौजूद मेहमानों की इजाजत से। HEC अगर इस पर कोई पहले अपनी बात बताए कि असल में आपने मौजूदा डिग्री प्रोग्राम है क्या और उसमें वो क्या तब्दीलियां की हैं जिसपे इतना एक इख्तलाफ या एक मसला पैदा हो गया है, और इससे तलबा को फायदा होना क्या है अगर HEC हमारे जिम्मेदार
इसमें बात करें डॉक्टर सैयद जुल्फकार जिलानी साहब, अगर आप इसी जो इतना है जी। पहले तो ये है कि देयर सीम्स टू बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। एचईसी में सिर्फ एडी, मतलब अंडर ग्रेजुएट को सिर्फ एडी नहीं किया, इस लेवल पे दो डिग्रीज हैं। एक जो पहले बीए बीएससी कहलाती थी उसको रीनेम करके एसोसिएट डिग्री का नाम दिया गया है और वो दो साल की दौरानिए। दूसरी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हमारे जमाने के जमाने में उसे एमए कहा करते थे, बाद में वो 2002 के बाद वो बीएस कहलाना शुरू कर दिया उसे, बैचलर ऑफ स्टडी, जो 4 साल का प्रोग्राम, तो उसको भी एचईसी ने रीवैम्प किया है। हमारे रीवैम्पिंग के मकसद बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं। एक थोड़ा सा मैं स्लाइडली फिलोसॉफिकल एंड पे हम कह दो कि हमारा ख्याल ये है कि हालांकि बच्चों को डिग्रियां तो दी जा रही थी लेकिन बच्चों के इल्म में इतना इजाफा नहीं हो रहा था, ना उनकी स्किल्स सेट में, ना उनके नॉलेज में और ना उनकी पर्सनैलिटीज में। तो भी आजकल इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऐसी भी चल रही है कि व्हाट दे कॉल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, कि ऐसी तालीम दी जाए बच्चों को। तो पहले मैं ये 4 ईयर वाले के हवाले से बात करूंगा कि ऐसी तालीम दी जाए जिसमें उनकी कुछ कॉम्पिटेंसीज डिवेलप, कुछ स्किल्स डिवेलप। स्किल्स से हमारा ये मुराद नहीं है जो हम नॉर्मली सोचते हैं, स्किल्स से हमारा मुराद है थिंग्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, थिंग्स लाइक यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, थिंग्स लाइक कम्युनिकेशन, इस किस्म की स्किल्स की हम बात करते हैं जब हम हायर एजुकेशन की बात। उसके अलावा नॉलेज का इशू तो पहले भी था अभी है, और अभी इसकी और मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर कुछ सवाल हो तो वो कर दें सवाल। लेकिन एक जी इनके साथ साथ सवाल चलेंगे, एक सवाल यहाँ ये बचा है, जब एचईसी ने अपना फैसला किया, हमारे साथ तमाम मौजूद है लोग, क्या स्टेक होल्डर्स को उन्होंने एतमाद में लिया या कोई ऐसी कोई मीटिंग कॉल की गई? जी मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2019 से एक प्रोसेस शुरू किया गया जिसमें 21 एक्टिविटीज हुई, उनमें शामिल थी एक्टिविटीज लाइक कंसल्टेशंस, डायलॉग्स एंड वर्कशॉप्स। उसमें तकरीबन 147 यूनिवर्सिटियों के रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व थे। टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाज अबाउट 1000। उसमें इंक्लूडेड थे वाइस चांसलर्स, उसमें इंक्लूडेड थे डीन्स, उसमें इंक्लूडेड थे फैकल्टी, उसमें इंक्लूडेड थे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स, उसमें इंक्लूडेड थे कॉलेजेस की फैकल्टीज एंड कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स। अच्छा जाहिर है कि बिकॉज द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इज सो ह्यूज। एक सवाल यहाँ पर मालूम आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, वक्त की कमी है कि आप बता के इसमें तकरीबन 1000 के करीब जो लोग मौजूद थे जिनसे आपने मशावरत की है, तो इसमें मौजूद है फैसले के लिए, फैसले में कराची से अगर आपकी बात कर ले, कराची से आप नाम ले सकते हैं कि ये लोग मौजूद थे या ये यूनिवर्सिटीज को हमने ऑनबोर्ड किया था, अगर आप सिर्फ कराची की बात करें। ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड तो आई थिंक कराची यूनिवर्सिटी, मतलब कराची यूनिवर्सिटी को ही सबसे ज्यादा एतराज है। हमने इन्वाइट किया 2 दफा, one or two people representatives I don't remember names, I think that's unrealistic, wo hamari government mein bhi hoga,
लेकिन डॉक्टर बाला मैं यूनिवर्सिटी एकेयू ये जो सरेदास जो मुझे याद है जो स्टेकहोल्डर नहीं है डॉक्टर मैं सवाल कर रहा हूँ प्लीज हमारे जी डॉक्टर सवाल ये है डॉक्टर सवाल ये है कि जो स्टेक होल्डर की आप बात कर रहे हैं इधर जो लोग मौजूद हैं उनमें से कोई भी इसमें नहीं ये डॉक्टर चले गए डॉक्टर ये अभी जुबैर शेख साहब भी मौजूद है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी हमारी यूनिवर्सिटीज के आपको मैं तारुफ करा चुका हूँ क्या यूनिवर्सिटी से भी लोग मौजूद है जैविस से भी है होम्योपैथिक कॉलेज से भी है ये जो लोग हैं ये तमाम इनमें से सब डिनाई कर रहे हैं कि इनमें से इनकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से किसी को एचईसी ने अप्लाई नहीं दिया तो ये तो बहुत बड़ी है ना कराची यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसमें तो किसी एक का नाम याद हो सकता है मेरा नाम आपको लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था कि हम तमाम यूनिवर्सिटियों को हमने तमाम यूनिवर्सिटियों को डॉक्टर साहब एक बात ये सवाल ये है कि आपने फैसला किया एच ई सी ने और 2003 में गालिबन फैसला हुआ है 2003 में तो वो 4-year degree का डिग्री का आगे आपने किया इस हवाले से क्योंकि ये बिल्कुल चेंज है ना एक जब तलबा है कराची के बाहर भी करो कराची में तो तलबा बाकायदा से प्रोटेस्ट कर रहे हैं फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में अगर आपने जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज में दाखिले दिए और एचईसी ये कह रहे हैं कि हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो उन तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा वो हजारों तालिबे कहाँ जाएंगे जी आई थिंक रजा चौहान you can answer respond to this question much better than I शुक्रिया डॉक्टर गिलानी साहब एंड शुक्रिया तमाम मेम्बरान और कॉलीग्स आपको जी सर ये मुझे थोड़ा सा प्रीएम्बल करने की इजाजत दे दीजिएगा एक्चुअली ये देखें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो 4 year का था ये जैसे भी आप कह रहे थे मैं करेक्ट कर दूं ये 2004 से शुरू हुआ जब डॉक्टर अताज थे और ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई और इसमें बहुत डीप कंसल्टेशन हुई है 2004 में हुई है 6-9 में हुई है 11 में हुई है 13 में हुई है और सब्सिक्वेंटली 17 में इसकी पहली नोटिफिकेशन निकली है फॉर ऑल दी यूनिवर्सिटीज की तरफ गई है फिर 18 में प्रेस रिलीज आया फिर 19 में एक नोटिफिकेशन से क्लैरिफिकेशन की गई फिर 2020 में एक रिमाइंडर दिया गया तमाम कॉलीग्स को कि इसको इस नाते में देखना है मैं पेश शुरू करना चाहूंगा कि जो गिलानी साहब ने भी बताया कि ये जो 2 years वाले कन्वेंशनल प्रोग्राम थे 2+2 मॉडल ये एक्चुअल में बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे ममालिक में कमेंसुरेट नहीं करता सो हमारे ममालिक हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं इनको जब कंपैटिबिलिटी का मोबिलिटी का और अपॉर्चुनिटीज का मौके कम मिलते हैं तो हमें ये 4 year एजुकेशन चूंकि ये ग्लोनिया प्रोसेस और फिर डॉक्टर हमारे सरोज लोधी साहब भी बैठे हैं तो ये बता सकते हैं अगर आप एजुकेशन की बात करिए अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट एजुकेशन सर अब मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए काइंडली एक पॉइंट है सिर्फ उसके बेसिस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन की गई है अगर आप इजाजत दें तो एक बात ये हो सकती है डॉक्टर कहा साहब एक सवाल करना चाहते हैं और डॉक्टर जब अगर इनके जवाब आप देते ताकि सवाल हम क्लियर हो सके जी डॉक्टर चौहान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी जी चौहान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी सर अब बेहतर हुई है जी देखिए सबसे पहले मेरा नाम जनाब डॉक्टर ताहा है मैं प्रोफेसर हूँ कराची यूनिवर्सिटी में
और मैं आपको पहले तो फखरिया बता दूं कि मेरे उस्ताद हशमतुल्ला लोधी साहब, जिनसे मैंने बीएससी पढ़ी थी और उसी डिग्री से मैं स्कॉलरशिप पे टोरंटो यूनिवर्सिटी गया था, और उसी कॉलेज की डिग्री से मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गया था पढ़ने के लिए। आज सुबह जब मुझे इस प्रोग्राम की तैयारी करनी थी तो मैंने आपके आपके ऑफिस में बहुत फोन किए, जहां पे आपके दरवाजे पे लगा हुआ था कि कोविड की वजह से दाखिला मना है, और नीचे दो नंबर दिए गए थे। आज मैं 4 घंटे तक उन दोनों नंबरों पे कॉल करता रहा तो मुझे वहां से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, अब आप आइए, क्योंकि मुझे पता करना था कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन की तादाद कितनी है, आपके जो कंसल्टेंट हैं वो कितने मुलाजमीन कंसल्टेंट है, क्योंकि ये आपकी एजेंसी की वेबसाइट पे नहीं दिया था। तो मैं पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत सुन चुके हैं। आपने पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में से आप व्हाई यू पीपल आर सो शाय टू फेस एकेडमिक काउंसिल ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, व्हाई यू पीपल आर सो शाय, नंबर वन। नंबर टू, चौहान साहब मुझे प्लीज बात कर लेते। नंबर टू, के पॉलिसी प्रोसेस जो हम सुनते हैं आप लोगों का, वो पॉलिसी प्रोसेस जो है, जो आप वेस्ट का जो आप हमेशा बात करते हैं, तो ये पॉलिसी प्रोसेस 360 डिग्री पॉलिसी प्रोसेस होता है, ये टॉप बॉटम पॉलिसी प्रोसेस नहीं होता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम रजा चौहान साहब को अपनी किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल से एड्रेस करते हुए नहीं देखते हैं। आपके फॉर्मर चेयरमैन तशरीफ लाए थे मुख्तार साहब, उन्होंने हमारा एकेडमिक काउंसिल का फोरम अटेंड किया था और उनको वो छोड़ के जाना पड़ा था, क्योंकि वजह यह है कि इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में टीचर्स अपनी जिंदगी के 30-30 साल दे चुके हैं, और इन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने जो है यह पाकिस्तान के बेहतरीन साइंटिस्ट प्रोड्यूस किए। लेकिन मसला ये हो रहा है इस वक्त कि आपका जब हम ऑडिट की बात करते हैं, अभी मैंने चेयरमैन सेनेट को भी यह खत लिखा है कि इसके इस इदारे के कायम होने के बाद से इस इदारे का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ कि इस इदारे का आउटपुट क्या है, तो अभी तक हमें इस इदारे का आउटपुट नहीं मिला। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल उसके हिसाब से करता हूँ, वो एक सवाल ये करते सवाल एचसी के लिए करता हूँ जी, एक सवाल एचसी अगर वो आपको एतराज बेसिक एतराज किया है, उन्होंने चेंज, उनका कहना ये है कि हम रीड कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल को। मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल लेवल, हमें तो इनकी पॉलिसीज पे एतराज नहीं है, हमें तो आप इस इदारे की एग्जिस्टेंस पे एतराज है। वजह उसकी ये है कि इस इदारे के आने के बाद से पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया। जो साइंटिस्ट सब प्रोड्यूस करते थे हायर एजुकेशन से पहले, यहाँ पे उन्होंने वो साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं किए, बल्कि बिल्कुल इस तरह से जैसे कबाड़ी कोई कबाड़ जमा करता है सुबह से लेकर शाम तक आवाजें लगाता है, और शाम को वो बड़े कबाड़ी को कबाड़ भेज देता है, और दोनों कबाड़ी ये जानते हैं, डॉक्टर साहब एक सेकंड सर, दोनों कबाड़ी ये जानते हैं कि कोई भी चीज पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट की बात ये है कि अगर अगर मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो ये एहतमाम किया है इस फोरम का, इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जो हमारा टॉपिक है। डिग्री पे चौहान साहब, मुझे एसोसिएट डिग्री पे थोड़े से आपसे सवाल आप कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि आपका डोमेन कैसे हुआ ये कि आप एसोसिएट डिग्री के ऊपर किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव लें, क्योंकि वजह यह है कि जो सूबाई असेंबलियों से पास हुए हुए एक्ट, वो ये बात कहते हैं कि तमाम प्रोग्राम जो इनिशिएट होंगे वो एकेडमिक काउंसिल से होंगे। आपने किस लॉ की अथॉरिटी से आपने कॉलेजेस में एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम, इसकी मुझे लेजिटिमेसी पे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। What empowers you? ठीक है जी, आई गॉट योर क्वेश्चन, आई गॉट योर क्वेश्चन डॉक्टर साहब, लेट मी नो रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन विच यू हैव रेज टूवर्ड द हायर एजुकेशन कमीशन। मैं पहले आपका लास्ट एड्रेस करता हूँ, फिर मैं बाकी भी बताता हूँ। मैं सुबह 8:30 से तकरीबन 6:30 तक डेली बैठ के जाता हूँ, काम करके जाता हूँ। आई डोंट नो आप बोर्ड के ऊपर किसको फोन करते हैं और क्या नहीं होता, प्लीज आप ईमेल कीजिए, आपको ईमेल का रिस्पॉन्ड मिलेगा। कभी नहीं मिला डॉक्टर साहब, कभी नहीं मिला। हम आपके फैक्ट्स को इस तरह से नहीं लेंगे, मौका नहीं देंगे। आप नहीं, आप उसका जवाब दे दें कि ये जो कानूनी तौर पर क्या आप इसके और चेंज करता हूँ। सर मैं पेश करता हूँ, सुन लीजिए काइंडली। एसीसी का सेक्शन 10
के 10 एल और बी है जो के इस पाकिस्तान का कानून है 270AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप देख लीजिए उसमें ये ऑर्डिनेंस प्रोटेक्टेड है एज लॉ थ्रू द 18th अमेंडमेंट प्रोटेक्टेड है। इसने ये राइट दिया है कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें, दैट मीट द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट एंड प्रमोट द स्टडी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज इन एवरी फील्ड ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल पाकिस्तान की वेबसाइट पे, एसईसी की वेबसाइट पे, इसके अंदर लिखा है गाइड इंस्टीट्यूशंस इन डिजाइनिंग करिकुला दैट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर कंटेंट ऑफ बेसिक सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन द ईच लेवल ऑफ करिकुला। सर मैं आप पेश करना चाहूंगा, आप मुझे बता दीजिए कराची यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक काउंसिल की मेंबरशिप के लिए एकेडमिक से किसको आज तक इन्वाइट किया है कभी, चार बजे जाना है जनाजे में, सरोज साहब का हमारे मॉडल भी आ जाए। सरोज साहब आप सुन रहे हैं देर से सारी बात, रजा साहब की या एचईसी की इस पॉलिसी पे किस हद तक आप ये हिमायत करते हैं या आपको कोई खिलाफ है? देखिए इसके दो डायमेंशन है मुस्तफा साहब, एक डायमेंशन देखते हैं कि क्या हम वाकई अपनी डिग्रीज को इंटरनेशनलाइजेशन के तरफ ले जाना चाहते हैं। इसके पते नजर जो डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उनका बड़ा मजबूर हूँ, उन्होंने वालिद साहब का जिक्र किया, लेकिन इसके पते नजर अगर आप देखें तो सारी दुनिया में इस वक्त बैचलर्स डिग्री 16 साल की होती है। अमेरिका में 12+4 का मॉडल है, पूरे यूरोप में थ्रू बलोनिया अकॉर्ड 11+3 का मॉडल है, और अगर आप हमारे यहाँ बच्चों को देखें जो कि ए लेवल्स और ओ लेवल्स थे वो 13 साल से फिर आगे 2 साल या 3 साल या 4 साल व्हाटएवर द डिग्री, तो हमारे यहाँ एक्चुअली अगर आप देखें तो नेशनल क्वालिफिकेशन अलग अगर है तो वो मजबूत नहीं है। एक तो ये बात है, तो वी हैव टू लुक एट इंटरनेशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। दूसरी चीज ये है कि इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन तो जाहिर है कि जितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी इसमें कंसर्न भी होगी, कुछ तकालीफ होगी। चीज जो समझने की है वो ये है कि पाइपलाइन में है उसका क्या होगा और नए एडमिशन का क्या होगा, दो अलग अलग इश्यूज है, उनको अलग अलग देखने से जरूरत है। बड़े संगठन में मेरी खातिर आया है कि जिनसे कमिटमेंट हो गया है 2 साल का वो तो रहे, लेकिन जो एडमिशन है उसमें इसका टास्क बच। मैं आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट साहब का बयान करता हूँ कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो हम भी नारे सारी इंजीनियरिंग डिग्री 4 साल की होती थी, उसमें कमिटमेंट काफी पूरी नहीं। हमारे यहाँ कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस थे जो 2 साल डिग्री किया करते और उसपे हम तीन आ रहे हैं, उसमें हमने उनसे रब्ता किया, उसको पूछते ये ऐसे तकलीफ जा रही और उस तीन इदारे में दो को इदारों ने हमसे ये कहा कि हम आपके एसोसिएट डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है हम उनको करते हैं, एक है और दूसरा के टी यूनिवर्सिटी का लगता कराची डायरेक्ट बोर्ड है, तो उन्होंने तो एग्री कर लिया और टेक्नोलॉजी ने कहा कि ठीक है हम टेक्नोलॉजी प्रोग्राम ला रहे हैं आती है तो जैसे यहाँ अपनी जबान की इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया जरूर एकेडमिक्स में मौजूद है और स्टूडेंट्स में भी है। इस मसले को अपने मुस्तकिल गुजारती थे और ठंडे रहते सोचती है। एच ई सी एक रेगुलेटरी बॉडी है और एच ई सी अपने उम्र में काम करते हैं, इसी तरह यूनिवर्सिटीज अपनी एक फैमिली है और उसका अपना एक तरीका था। इस ये चीज जब तक डायलॉग होंगे चलता रहेगा। एच सी ने अपने तौर पे एक इंस्टीट्यूट प्रोसेस किया है,
जो हो रहा है आज भी हम जो कर रहे हैं वो भी वो कर रहे जो किया था। आपको याद है कि 2018 में जो जिनको रजिस्ट्रेशन की गई है उनको एचईसी ब्लॉक रिकॉग्नाइज करे तस्दीक कर दे एचईसी की। देखिए बात ये है कि कब से होगा 2018 वालों को नहीं कर रहे थे जो जो तलबा जो रोड सड़कों पर है उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि वो क्या करें अब दो साल बाद डिग्री कहां क्या तस्दीक कराएं। इस बारे में मुझे ज्यादा तो हम लोगों ने उसके नतीजे में 2007 में अपना बीएससी और एमएससी मर्ज करके फोर ईयर बीएस प्रोग्राम शुरू कर दिया था इस सेमेस्टर से। तो हम ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो बिहारी साहब ने कहा नंबर वन। दूसरी चीज जो नाम के बारे में लोग परेशान हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि नाम से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब हमने 4 साल बीएस किया तो बहुत से लोगों को ये परेशानी थी कि ये मास्टर्स नहीं कहलाएगा तो लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। तो जो मतलब मैं अंडरस्टैंड कुछ और इश्यूज भी हैं जो मैं अभी जिक्र करूंगी, तो अगर ये कि 2 साल का जो बीएससी है अगर उसका नाम एसोसिएट हो जाता है ठीक है, तो एचईसी जो कह रहा है कि वो उनको बैचलर्स की डिग्री नहीं देंगे लेकिन जो एसोसिएट की डिग्री है या जो भी वो डिप्लोमा वो भी जब आप एम्प्लॉयर के पास आएंगे दे नो के क्योंकि हम ये देख चुके हैं हमें हमारे स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो बीएससी के बजाय बीएस कहलाने लगी, तो ना उनको जॉब में फर्क पड़ा ना बाहर एडमिशन पे पड़ा। फायदा हमें ये हुआ कि जो हमारी पुरानी स्टूडेंट थी जब वो कहीं बाहर जाती थी तो हमें उनके सारे कन्वर्जेंस करना पड़ता कि उनका जो है क्रेडिट आवर्स कितने हैं किस कोर्स के। अब जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल इंटरनेशनल उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स हैं सिस्टम है, तो हमारी लड़कियां जो बाहर जा रही हैं उनको डायरेक्ट दाखिले भी मिल रहे हैं, उनकी रिकग्निशन भी आसानी से हो रही है। तो दीज आर द एडवांटेजेस, तो वी हैव फेस्ड एडवांटेजेस। लेकिन नुकसान जो मैं शेयर करना चाहूंगी खासतौर पे चूंकि गिलानी साहब आई थिंक शेयर कर रहे होंगे, एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये यूनिवर्सिटी के जो पैटर्न्स हैं वो इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के लोग हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के नहीं है, क्योंकि मतलब ये दो तबकाती निज़ाम चल रहा है कि यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन अलग है और कॉलेज में जो मुश्किल आ रही है इम्प्लीमेंट करने में, दैट इज बिकॉज के हम जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो एचईसी हमें ओन नहीं करता, कोई हमें फैसिलिटीज नहीं मिलती रिसर्च के लिए इक्विपमेंट के लिए किसी चीज के लिए। यदि मैं जिसकी कॉन्फ्रेंस में जाए हमारा कॉलेज जो है मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान का वाहिद एफिलिएटेड कॉलेज है जिसमें रिसर्च पब्लिकेशन होती है रिसर्च रिटर्न निकलता है विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एचईसी। तो मेरे जो मतलब रिक्वेस्ट है इनसे कि ये दो तबकाती जो निज़ाम है ना कि यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अलग है जो एफिलिएटेड कॉलेजेस से अलग है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में टीचर्स के रिक्रूटमेंट का तरीका ही होता है, टीचर जो रिक्रूट होते हैं वो डिफरेंट है, उसके बाद उनके प्रमोशन का क्राइटेरिया। अभी इन्होंने एचईसी की एक प्रश्न ये भी टीचर्स के वाले भी किया कि उनके कोई पीएचडी के वाले को रिसर्च होनी चाहिए इसकी बुनियाद पर, यही ना तो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस की मतलब जो आपने एक बात जल्दी मैं एग्री करूंगी कि इट शुड बी फ्रॉम बॉटम अप रादर देन टॉप टू बॉटम कि पूरे अगर सारे उसमें एफिलिएटेड कॉलेजेस में ये इम्प्लीमेंट करना है तो वहाँ टीचर्स के रिक्रूटमेंट का जो है सिलसिला भी वैसे ही होना चाहिए जैसे यूनिवर्सिटी में है, प्रमोशन का भी वही होना चाहिए। एफिलिएटेड कॉलेजेस में तो आप कुछ भी नहीं करें एक रिसर्च पेपर नहीं और प्रोफेसर बन जाते हैं ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर हो जाते हैं टीचिंग टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं पढ़ाने के लिए वो 10-10, 15-15 एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उस सिस्टम को हमें चलाना बहुत मुश्किल होगा। मेरा ताल्लुक फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से है और मैं नहीं समझता की फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से एचईसी ने कोई इस किस्म की कॉरेस्पॉन्डेंस या इस किस्म की बात की, और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी सिर्फ कराची में नहीं है बल्कि हमारे कैंपस इस्लामाबाद में भी है और हमारे एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। हमारा चार्टर ये कहता है कि हम आउटसाइड पाकिस्तान भी अपना कैंपस कायम कर सकते हैं। पहली बात यह आ गई कि जनाब किन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या लोगों से रब्ता किया गया, ठीक है वो लिस्ट प्रोवाइड की जाए। सेकेंड बात यह है कि हम ये मिसाल क्यों देते हैं
कि जनाब दुनिया में ही हो रहा है तो हम उनके साथ मिल जाए, हम ये मिसाल क्यों नहीं देते कि दुनिया हमारे साथ मिल जाए, हम ये क्यों कहते हैं कि जनाब अमेरिका में रहेंगे डिग्री 4 साल की तो हम BA 4 साल की कर लेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जनाब ये जो हमने अभी में एक्ट किया है तो जो सिंपल 2 ईयर्स का प्रोग्राम था उसका नाम हमने एसोसिएट डिग्री रख दिया, तो भाई फिर वही प्रोग्राम रहने दो, वही नाम रहने दो, उसका क्या पड़ा फिर, फिर आपका फर्क क्या पड़ा? अगर आपने सिर्फ नाम ही चेंज कर रहे हैं इस डिग्री का तो फिर इससे क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए कोई भी आप डिग्री प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जब लॉन्च करते हैं तो उसका कोई बैकग्राउंड होता है, उसके कोई रैशनल होते हैं, विदाउट रैशनल तो प्रोग्राम आप नहीं करेंगे। अच्छा फिर जो आपका BS प्रोग्राम है उसके क्रेडिट आर अलग हैं, जो BA का प्रोग्राम था उसके क्रेडिट आर अलग हैं, जो आप एसोसिएट डिग्री ला रहे हैं उसके क्रेडिट आर अलग हैं, उसका नॉमेनक्लेचर अलग जाएगा, उसके आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब आपके एसोसिएट डिग्री को आप इन कर दें BA के उसके तो नामुमकिन है, और अगर हम BS के अंदर भी एसोसिएट डिग्री के फर्स्ट 2 ईयर्स को हम BS के साथ भी लिंक करते हैं तो फिर वो सिंपल BA नहीं रहेगा, वो कुछ और डिग्री होगी, ठीक है ना। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात यह है कि क्या हम इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने एफिशिएंट हैं कि हम हमेशा बाहर का एक मॉडल उठाते हैं और उसको अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करते हैं? क्या हमारी अपनी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है? आपकी 1998 पॉलिसी में SEC तो खुद बनी है, तो फिर इसके माने वो पॉलिसी गलत थी, पॉलिसी बनाने वाले गलत थे, तो SEC भी इनकॉम्पिटेंट हो गई, पॉलिसी मेकर भी गलत हो गई। इसमें कंप्लीट करूँ फिर आप बात कर लीजिएगा। अब आते हैं कि जनाब इंटरनेशनली चेंज का क्राइटेरिया, तो वो इंटरनेशनली क्राइटेरिया का कोई रोड मैप दिया जाए और उस रोड मैप के देने के बाद SEC बात करे, विदाउट रोड मैप अगर बात करना और एक लेटर के थ्रू आप कहें कि आज से ही प्रोग्राम बन रहे, और एक क्यूरोस जो पूरे मुल्क में फैला हुआ है कि जनाब लाखों तलबा जो है वो इसमें परेशान है कि हमारी डिग्री का क्या होगा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि वो जो लाखों तलबा प्राइवेट देते हैं एग्जाम, आपने तो उन तलबा का तालीम हक मार लिया, आप कैसे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी? आप लोगों ने तमाम यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल जो है उसके रिकमेंडेशन देखने हैं, ना कि आपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो यूनिवर्सिटी भेज देती है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो तो SEC के आम आने लगे हर बात में। तो आप तमाम यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन है, तमाम यूनिवर्सिटी अपनी एकेडमिक काउंसिल बनाए, उनकी रिकमेंडेशन जो होगी वो SEC पे जाए, उसको पॉलिसी पे बात करें, तो यस we all accept it. Without recommendation आपके academic council की आपकी बात कैसे की, ठीक है। अब finally मेरा question ये है कि ये जो भी policy SEC ने की है या जो मैंने सुना है जिनके बारे में आपको सुना है, तो इसमें सवाल ये आ रहा है कि खाली नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? अगर आप खाली नाम चेंज कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप क्या जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि तालीम स्टेट का वो है, स्टेट की जिम्मेदारी है देना, आफ्टर 18th अमेंडमेंट बहुत सारी चीजों में SEC इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर आपकी प्रोविंशियल SEC काम करेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो पब्लिक सेक्टर होती है वो ऑटोनॉमस बॉडी होती है, अगर सारे फैसले SEC ने कर रहे हैं तो हम अपनी सेनेट सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल ये सारी बंद कर देते हैं और फिर जनाब SEC जो पॉलिसी लाए वहां पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी तो खत्म होगी। कल मैं जब कुछ प्रोग्राम देख रहा था इसकी तैयारी के लिए, जब भी मुझे ऐसा लगा सकता है, मैं कल आपको खुशी कर दिएगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो किसी हद तक इसको तस्लीम करती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं मानती है। सारे डिस्कशन को समराइज कर लेते ताकि हम बार बार उस चीज को बहस कर रहे, ठीक है ना। ये पॉइंट तो आ गया टेबल पे कि HEC शुड प्रोवाइड एज द लिस्ट ऑफ ऑल दोज जिनको उन्होंने कंसल्टेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व किया ताकि हमें क्लियर पता चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पॉइंट सामने आ गया है कि ये जो पॉलिसी है ये एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, जरूर मानना पड़ेगा कि सारी दुनिया में एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होती है
वो ये 4 साल की बैचलर्स होती है और आगे जो है फिर उसके बाद नया क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आगे बढ़ता है, ये नेचुरल है, ये चलता आ रहा है। हम कब किस तरीके से अपनी इस बैंड वैगन पे आ गए या थे वो अलग बात है कि पहले जो है हम लोगों के पास बीएससी बीए था, फिर एमए एमएससी होता था, वो भी 16 साल के बराबर होता था। अब हम इसको एसोसिएट डिग्री 14 साल वाले को कह रहे हैं और फिर उसके बाद जो है इसमें क्या फर्क होगा इसकी मैं वजाहत करता फिर। तो बात तकरीबन वही है, हम पहले भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पे थे और अब जो एसोसिएट और बीए बीकॉम का फर्क है उसके लिए जो है गिलानी साहब और दूसरे जो है एचईसी जो फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल्स हमें सिखानी चाहिए। तो पहले 2 साल में जो इन्होंने फ्रेमवर्क में भी जो चीजें दी हुई है उस फ्रेमवर्क में चीजें जो दी है वो ये चीजें दी है कि आप मोस्टली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करें, आप उनकी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करें और उनको इस तरीके का बना लें कि अगर वो अपना छोड़कर भी जाना चाहे डिग्री तो वो कम से कम किसी हिसाब से थोड़ा बहुत जो है कारामद हो सके ताकि वो जो सोसाइटी का एक जो है रोल प्ले कर सके। अब सेकंड क्वेश्चन ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, हमें उन्होंने ये बोला है, हमें कतन ये नहीं बोला है कि फॉरन आर्ट बिल्डिंग के जोर से आप से इंप्लीमेंट कर ले। ये डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, ये डॉक्यूमेंट वो ये फरमा रहे हैं कि ले जाओ भाई, हमने कब कहा है आपको जो है ना कि ये 120 क्रेडिट कार्ड के कोर्स नंबर 1 कोर्स नंबर 2 को, ये बता रहे हैं कि इंग्लिश कितने कोर्सेज होने चाहिए, लैंग्वेज के इतने आपको जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीके का होना चाहिए। दिक्कत तो जाना अब हमारा काम है ना कि हम अपने एकेडमिक काउंसिल्स में लेकर जाएं, हम अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज में लेकर जाएं, हम अपने बोर्ड ऑफ फैकल्टीज में से अप्रूव करवाएं। और अगर हम लोग समझते